रोड में, और मेरे भाई को जबरन पकड़ के जेल में डाला गया है, जबरदस्ती का वर्दी फाड़ने का, और एसटी के आदिवासी एक्ट का धारा जबरदस्ती लगा करके, जो आज मेरा पीड़ित भाई अंदर है, और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि उनके द्वारा मुझे कितना प्रताड़ित किया गया है, कितना जबरदस्त टॉर्चर किए हैं, मेरे को देख सकते हैं आप। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बस ये पहुंचाना चाहता हूं कि आज सौरभ साहू जिस हाल में है, उस हाल में किसी घर का बेटा ना रहे, और आए दिन प्रताड़ित होने वाले जितने भी सूरजपुर के युवा हैं, उनके साथ सूरजपुर के थाना प्रभारी राम कुमार नायक, बिशुन देव पैकरा, वसीम रजा के खिलाफ ऐसा कार्रवाई किया गया है। और मेरे घर में बिना महिला पुलिस वालों के, बिना किसी आवेदन के घुस कर महिलाओं के साथ बदतमीजी, यहाँ तक कि जब हमने वीडियो बनाना चालू किया तो उन्होंने 2-3 महिलाओं पुलिस वालों को बुलवा करके हमारा वीडियो बनवाया, और मुझे जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, आपको मैं आम जनता को दिखाना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डरा सहमा हूँ। और मैं जनता से और सभी पत्रकार साथियों से और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को न्याय दिलाएं, वरना मेरे को या मेरे परिवार वालों को कुछ होता है तो